एवरीवन, द सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन में बनने जा रही है खस्ता करारी मेथी मट्टी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैं लेकर आई हूँ। चाय के साथ खाने वाला एक बहुत ही कॉमन सी डिश है, कॉमन सा स्नैक्स है। तो चलिए बनाते हैं, कुक टेस्टी कुक स्मार्ट। चाय स्नैक्स खस्ता करारी मेथी मटरी बनाने के लिए देखिए मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपको बता रही हूँ। एक छोटी कटोरी हम आटा लेंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसको मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिना मैदे के मट्ठी बनाना बताऊँगी। एक कटोरी गेहूं का आटा ले लीजिए, जो आप घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है। एक कटोरी आटा लेंगे। अब आटे के बाद इसमें चार छोटे चम्मच, देखिए ये वाला मीडियम साइज़ का चम्मच है, इसलिए भर के मैं इसमें सूजी के डालूँगी। एक चम्मच भर के देखिए मैंने बेसन का डाला है, और उसी चम्मच के मेजरमेंट से देखिए एक चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए इसमें एक छोटा चम्मच जाएगा नमक का, बाकी स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी कुटी हुई जाएगी काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च। ये देखिए लगभग दो चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है, जिसको मैंने ऐसे करके क्रश कर लिया था, इसे भी डालेंगे। इससे मट्ठी में फ्लेवर जो है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये मेथी की मट्ठी है, इसलिए थोड़ी सी इसमें जाएगी कसूरी मेथी। इन सबको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए प्रॉपर मोइन के लिए मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था, एक कटोरी, उसकी 1/4 कटोरी जो है वो मैंने वेजिटेबल ऑयल जो घर में यूज़ होता है वो लिया है, इसे भी डालेंगे। इसको देखिए इसके बाद इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए प्रॉपर आटा मलने के लिए, इसको प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, बस आप ध्यान रखिए कि पानी गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मसल मसल के हमें इसको 10 मिनट तक के लिए कम से कम मलना है। देखिए इस तरीके से पानी और ऑयल के साथ हमने आटे को बहुत अच्छे से मल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर आटा हमने गूंद लिया है मसल मसल के। इस तरीके से आप इसको रगड़ रगड़ के मसलें। जितना हम अच्छा आटे को मसल के रगड़ के मलेंगे, उतनी हमारी मट्ठी खस्ता करारी बनेगी। अब हम इसके बाद 10 से 15 मिनट तक के लिए आटे के ऊपर देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल लगा के, क्योंकि ये सूजी है फूलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, हम 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए रखेंगे। अब देखिए 15 से 20 मिनट तक आटे को रखने के बाद हम इसको बनाने से पहले एक बार इस तरीके से और मसलेंगे। और आज मैं आपको ये मट्ठी बिना बेले हाथ से ही बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए आटा हमारा मट्ठी के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इस तरीके की हम छोटी छोटी बॉल्स बना के इसको रखेंगे। बाकी साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से हमने बॉल्स बनाई। अब ये साइड्स में इसमें क्रैक पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप बाज़ार की मट्ठी में भी देखेंगे कि क्रैक पड़े हुए होते हैं। ये देखिए अगर आप मोटी चाहते हैं थोड़ी सी, तो ये बिल्कुल सही तरीके से बनाई है। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी इससे पतली और बड़ी बनाएं, तो इस तरीके से आप हथेली से इसको प्रेस कर दीजिए। ये देखिए कोई भी ऑयल हाथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये क्रैक्स इस टाइप से पड़ेंगे। और आप चाहते हैं कि ये ना पड़े, तो आप इसको प्रॉपरली इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं, बिल्कुल राउंड शेप दे सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम बाकी की भी अपनी मट्ठी की शेप रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने एक बॉल लिया, इसको हमने अच्छे तरीके से राउंड बना के, ये देखिए हथेली से हमें इस तरीके से इसको प्रेस करना है। चाहे तो आप इसको साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, चाहे तो आप इसको साइज़ में छोटा ही रहने दीजिए। एक तरफ गैस में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। ये देखिए मैं सारे इसको इसी तरीके से रेडी करूँगी। बाज़ार की मट्ठी की बात करूँ तो हमें बाज़ार में ये शेप भी मिलती है, ये बड़ी वाली, इस तरीके से ये साइज़ भी मिलता है, और हमें ये साइज़ भी मिलता है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। आप अगर इस तरीके से खाना चाहते हैं तो इस तरीके से रहने दीजिए, अदरवाइज़ इसको प्रेस करके थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेते हैं।
अब देखिए सारी शेप्स हमने मट्टी की बनाकर रेडी कर ली हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं ये देखिए क्रैक्स हैं, ये जितने क्रैक्स होते हैं हमारी मट्टी उतनी अच्छी खस्ता करारी बनती है। इधर कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म किया है, बस इसको डीप फ्राई करते समय आपको एक खास टिप का ध्यान रखना है कि आपने इसको हमेशा लो फ्लेम पर ही आपने फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे या मीडियम करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए एक बारी ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। अब देखिए बिल्कुल गैस के लो फ्लेम पर मट्टी हमारी बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइड से सिक गई है, अंदर से भी सिक गई है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए क्रैक पड़ने से ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर तेल भरता नहीं है। देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी दोनों मट्टियों में बहुत अच्छे से ये क्रैक्स आए हुए हैं, इससे जो है वो ऑयल अंदर तक नहीं जाता। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। देखिए चाय के साथ खस्ता हमारी गरम गरम मेथी मटरी बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसको एयर टाइट ठंडा हो जाने के बाद एयर टाइट किसी भी कंटेनर में आप इसको सेव करके आप 10 से 15 दिन तक के लिए इसको रख के खा सकते हैं। खस्ता मट्टी की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के चाय के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ, कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।